अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर की बटन है उसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें। ये बिल्कुल ही फ्री है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं नेचुरल टिप्स एंड रिव्यू। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही है और इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे की थी माधुरी मून जी ने। तो आज की वीडियो में आप सबके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल का, जो कि केसर चंदन का जो नया एलोवेरा जेल है उसका। वैसे इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर बहुत टाइम पहले, मतलब शुरुआत में आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ और कब से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके क्या क्या बेनिफिट हुए हैं तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इस जेल की पैकेजिंग की। तो ये दो पैकेजिंग में अवेलेबल रहता है, एक है 60 ml की जिसका प्राइस है 50 rupees और एक है 150 ml की जिसका प्राइस होता है 110 rupees। सबसे अच्छी बात है ये प्रोडक्ट पैराबिन फ्री है, SLS फ्री है, इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। सिर्फ इसमें कुछ एक स्मेल का यूज़ किया गया है और कुछ एक कलर का यूज़ किया गया है इसको कलर देने के लिए। इसके अलावा इसमें चंदन है, केसर है, एलोवेरा है। केसर इसमें 0.01% है, चंदन इसमें 0.10% है, एलोवेरा 89% है। विटामिन ई है इसके अलावा, और जैसे कि मैंने कहा कुछ कलर्स और खुशबू का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये प्रोडक्ट जेल बेस में ही आता है, बहुत ही इजीली आपकी स्किन पर ब्लेंड हो जाता है। ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव है तब भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ ये आपको कौन कौन से बेनिफिट देगा। इस पर लिखा रहता है सामने ही, आपके एक्ने को दूर करेगा, पिगमेंटेशन को दूर करेगा, साथ ही साथ जो रिंकल्स आ गए आपकी स्किन पर उनको दूर करेगा। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ये आपकी स्किन को एक अच्छी तरह मॉइस्चराइज करेगा। ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है, इसमें विटामिन ई भी है तो ड्राई स्किन है उनकी वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बेस्ट रिजल्ट कैसे देगा, इसको पहले शुरुआत में मैं काफ़ी यूज़ किया करती थी नाइट में अपनी नाइट क्रीम की तरह, लेकिन अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। समर्स में मैं क्या करती हूँ, बॉडी लोशन की तरह अपनी बॉडी पर इसी को ही अप्लाई करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपाहटपन भी नहीं देता है आपकी बॉडी पर। तो मैं अभी इसको सिर्फ अपनी बॉडी पर ही यूज़ करती हूँ। जब मैं नाइट में यूज़ करती थी इस जेल को मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले थे, लेकिन अभी मैं कुछ और यूज़ करती हूँ तो मैंने इसको स्किप कर रखा है। तो इसके रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये आपके स्किन की टोन को भी कुछ से लाइट कर देता है। अगर आपको सन टैन हो गया, आपको लगता है आपकी स्किन डल है, तो वो डलनेस को दूर करता है। एक्ने पिंपल्स पर मुझे नहीं लगता ये कोई भी खास काम करता है, ब्लैक एंड वाइट हेड्स पर नहीं करता, पिगमेंटेशन को ये दूर नहीं करता है, लेकिन आपकी स्किन की टोन को कुछ से ये लाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, हाइड्रेट कर देता है। जो ग्रीन वाला पतंजलि का एलोवेरा जेल आता था वो मुझे इतना नहीं पसंद था, मैंने शुरुआत में कुछ टाइम उसको यूज़ किया था लेकिन उसकी वजह से मेरी स्किन पर छोटे छोटे बम्प हो गए थे, मुझे शायद नहीं सूट किया। मुझे ये अच्छा लगता है, ये मुझे काफ़ी सूट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये हर किसी को सूट करे, सबकी स्किन अलग होती है। काफ़ी लोगों को ग्रीन वाला जो जेल आता है एलोवेरा जेल वो सूट करता है, ये नहीं करता है, काफ़ी लोगों को ये करता है वो नहीं करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपकी स्किन पर कौन सा सूट करता है। तो मैं अपनी बॉडी पर इसको अपने हाथ पर पैर पर अच्छे से बॉडी लोशन की जगह लगाती हूँ, ये मेरी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, स्किन की टोन को भी 1 से 2 shades ये लाइट कर देता है। जब मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, स्किप कर देती हूँ तो उसका जो भी किया कराया होता है सब पर पानी फिर जाता है, क्योंकि यही होता है कोई भी प्रोडक्ट जब तक हम यूज़ करते हैं उसके जो रिजल्ट हैं वो आपको तभी तक मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अगर आप एक ये बड़ा पैकेजिंग है 150 ml की तो आप ये लेती हैं, आपका यही काफ़ी टाइम चल जाएगा। मेरा देखिए मेरा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, क्योंकि मैं इसे अपनी बॉडी लोशन की जगह यूज़ कर रही हूँ, फेस के लिए अभी नहीं कर रही हूँ। इसको आपको हेयर्स पर यूज़ नहीं करना है, सिर्फ बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं, फेस पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने फेस पर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा सा तरीका बताती हूँ यूज़ करने का, जो आपको इसके बेटर रिजल्ट मिल पाएंगे जो मैं यूज़ किया करती थी। आपको नाइट में यूज़ करना है, डे में आप इसको प्राइमर की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने मेकअप रिमूवर की तरह यूज़ कर सकते हैं, फेस क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसको लगाने के बाद में सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। लेकिन नाइट में अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश करने के बाद में आप इस जेल की थोड़ी सी मटर के दाने की जितनी क्वांटिटी लेकर के अपने पूरे फेस पर मसाज करें, फिर थोड़ी सी और क्वांटिटी लेकर के अपने फेस पर फेस पैक की तरह लगा करके रात पर छोड़ दें। आप मॉर्निंग में उठेंगे आपकी स्किन ग्लो तो करेगी ही, साथ ही साथ आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो बहुत ज़्यादा बेजान नहीं रहेगी, डलनेस दूर होगी आपकी स्किन की। लेकिन आपको रेगुलर यूज़ करना होता है अगर आप इसके बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो, कुछ दिन यूज़ करके नहीं छोड़ना है। जैसे कि नेचुरल है तो आपको लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करना पड़ेगा,
और सबसे अच्छी बात है ये किफ़ायती तो है और इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है जो कि आपको किसी भी तरह से नुकसान करें। आप बच्चों पर यूज़ कर सकते हैं, मैन हो वुमेन हो, हर एज में इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो अपने किसी भी मॉइस्चराइज़र में भी मिक्स करके इसको यूज़ कर सकते हैं, नाइट क्रीम में मिक्स करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और मैंने अपनी हेयर स्टाइल को लेकर के भी आप लोगों से पूछा था, आपको बिफोर पसंद थी आफ्टर पसंद थी? काफ़ी लोगों ने आफ्टर कहा, काफ़ी लोगों ने बिफोर कहा। तो बिफोर वाली पसंद थी, तो यार अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब तक कट गए, कैंची चल गई, लेकिन कोई नहीं, अपने घर की खेती होती है, बाल तो बढ़ जाएंगे बाद में, पहले की तरह हो जाएंगे, तो इतना माइंड मत करिएगा। आप लोगों के लिए तो मैं हूँ, चाहे मैं पहली जैसी हूँ चाहे मैं ऐसी हूँ। इंसान का चाहे शक्ल बदल जाए, हेयर स्टाइल बदल जाए, मन जैसा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, चाहे मैं कुछ भी बोलती हूँ, लेकिन मुझे वो आदत नहीं है। मैं यहाँ इधर कुछ बोल रही हूँ, वहाँ कुछ बोल रही हूँ, वो चीज़ नहीं है। जो चीज़ मुझे सही लगती है मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करती हूँ। तो बस, और शायद लोगों को भी यही चाहिए होता है, उनके साथ कोई भी फेक चीज़ ना, मतलब उनके सामने आए और उनको सच का पता चले। तो बस इतना ही कहना था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई और रिक्वेस्ट हो या कोई और बात हो जो आप मुझसे कहना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।